गाइस मैं बैक टू माय चैनल तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मॉडर्न, मतलब मॉडर्न तो नहीं होगा लेकिन भाई ट्री हाउस आप कह सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में ट्री हाउस बनाने वाले हैं क्योंकि भाई मेरा अचानक से दिमाग में ट्री हाउस बनाते क्योंकि भाई बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी है। तो आप लोगों को आपको ये आइडिया कैसा लगा और वीडियो को देखने से पहले सब लोग मैं आपको एक चीज़ बताते आप लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो भाई मेरे चैनल को फटक से जाके सब्सक्राइब कर दो यार। और अभी अपन को सबसे मेन चीज़ ट्री हाउस के लिए तो हमको चाहिए वुड चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है। और मैं सोच रहा हूँ ये जो पेड़ है इसके ऊपर बनाऊंगा मैं, मतलब ये ट्री हाउस होगा अपना और लीव जीव मैं तोड़ दूंगा। और चल भाई अपन सबसे पहले तो बहुत सारे वुड इकट्ठा करने हैं अपन को क्योंकि भाई वुड से अपन बना मतलब बहुत सारे चीज़ें बनती है वुड से और अपन जैसे भी अपन ट्री हाउस बना रहे तो सबसे मेन चीज़ तो अपन को भाई वुड ही चाहिए। और मैं वुड इसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे भाई मैं वुड इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास सामने इतना बड़ा ट्री पड़ा है तो भाई मैं वुड क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ। तो भाई मैं वुड इसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे लेडर्स चाहिए और लेडर्स के लिए अपन को वुड और स्टिक्स चाहिए। तो मतलब वुड नहीं चाहिए लेडर के लिए, अपनको सिर्फ स्टिक्स चाहिए। अपन बहुत सारी स्टिक्स भी बना लेंगे वुड से। और अगर भाई ये वाले इसके लिए भी मुझे स्पेस खाली करनी पड़ेगी तो एक वीट फेंक देते हैं अपन। और हाँ गाइस मतलब बहुत सारे लोगों ने ट्री हाउस बनाने का प्लान किया तो मैं सोचा भाई अपन भी क्यों पीछे रहे क्योंकि भाई मुझे भी ट्री हाउस बहुत ही मस्त लगता है। और मतलब मैं बनाता तो नहीं उतना अच्छा ट्री हाउस लेकिन मैं तुम्हारा भाई ट्राई कर लेगा कोई भी एकदम अच्छी से ठीक ठाक से डिज़ाइन। और चलो भाई देखते हैं आगे आगे। और अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा हो कि भाई मैं दो दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा तो भाई जाके एक वीडियो है जो मैं अपने चैनल पर डाल के रखी है तो भाई वो जाके सबसे पहले देख लो आप लोग, फिर आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। मैं उसके अंदर सब पूरा एक्सप्लेन करके बता जाऊँ। और इतनी लंबी वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट की वीडियो थी वो। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भाई मैं पहले से थोड़े दिन के लिए छोटी वीडियो डालूंगा। और प्लीज़ यार कमेंट में मत लिखो भाई पबजी खेलो क्योंकि भाई मुझे ऐसा नहीं बुरा लगता है भाई कि आप लोगों का कमेंट्स मतलब वो ना करूँ, मतलब बात मानू ना आपके कमेंट्स, आप लोग ये कह सकते हो। तो क्योंकि भाई मैं आप लोगों को पहले बताता जब जब तक कि पबजी इंडिया नहीं आता जब तक कि मैं पबजी नहीं खेलूंगा। और अगर पूरी अच्छी से न्यूज़ आ मतलब अभी शायद से ना गाइस जनवरी के पहले तो मेरे ख्याल से आ जाएगा क्योंकि भाई अभी बहुत गवर्नमेंट पता नहीं इसको रोक के रखे तो भाई अपन कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। और चलो भाई चलते हैं। और बहुत सारे अपने पास वुड हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने घर पे। और घर पे जाने के बाद अपन बनाएंगे बहुत सारा वुड और फिर अपन वुड से बनाएंगे स्टिक्स और स्टिक्स से अपन बना लेंगे अपनी लैडर्स। तो चलो भाई फटक से चलते हैं, चलो भाई घर के अंदर चलते हैं। और अपन आ चुके हैं अभी घर के अंदर अपना एकदम प्यारा सा मॉडर्न सा घर और इससे अपन पूरी स्टिक बना लूँगा मैं, कोई बात नहीं मैं चलता रहता ऐसा। और पहले अपन को प्लैंक बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई प्लैंक सबसे मेन चीज़ है, प्लैंक से स्टिक बनती है। और चलो भाई देखते हैं अपन कितने सारे प्लैंक्स बना सकते हो कि भाई रेड स्टोन ड्रॉप कर दो। ओ भाई रेड स्टोन तो बहुत मेन चीज़ होती है। और रेड स्टोन इधर मैं चेस्ट में डाल देता हूँ भाई, मेरे चेस्ट में इन्वेंट्री फुल है, एकदम फालतू चीज़ें चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। ये जैसे कि चेस्ट स्वॉर्ड अपने पास एकदम ओपी सी खतरनाक सी स्वॉर्ड है तो भाई मैं ये स्वॉर्ड क्यों रखूँ अपनी फालतू सी आयरन की। और अपने पास डायमंड की फुल एन्चांटेड स्वॉर्ड है, अगर आप लोगों ने वाली एन्चांट वाली वीडियो नहीं देखी तो फटाक से जाके देख लो, आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और चलो भाई इतनी इन्वेंट्री खाली मैंने कर दिया ये बहुत है। और अभी अपने कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने खाली अपना प्लैंक्स बनाने हैं बहुत सारे और अपने स्टिक्स बनानी है। और अपने चलो भाई 19 भाई बहुत सारे स्टिक्स मतलब बहुत सारे स्टिक्स बन रहे हैं। और अपन ज़्यादा स्टिक नहीं बनाएंगे, लेडर अपन को इतनी भी नहीं चाहिए। और नहीं भाई चलो भाई 48 ये इतनी तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। और अगर आपको भाई बैकग्राउंड की वजह रही तो उसको इग्नोर मार देना क्योंकि भाई मतलब ऐसी आवाज़ आती रहती है बैकग्राउंड में घर वालों की। और अभी अपन ओके भाई ये वाला ट्री था वो, और अपन अभी लेडर्स लगा के ऊपर जाएंगे। और अभी मैं एक शेड्स भी बनाऊंगा क्योंकि भाई जो शेड्स से अपन जब लीफ को जो तोड़ते हैं तो भाई भाई ये वाइंस यहाँ पर पहले से ही वाइंस लगी है भाई, भाई मुझे वाइंस से भी तोड़ना पड़ेगा। चलो भाई वाइंस भी तोड़ते रहते अपन। और लेडर भी अपन लगाएंगे दोनों साइड लगाएंगे क्योंकि भाई अच्छा लगेगा दोनों साइड। और अपन आजू बाजू कुछ डेकोरेशन भी कर देंगे, लीव्स वीव्स लगा लेंगे तो वो तो भाई मैं अपना ऑफलाइन बैठ के कर लूँगा। और भाई क्या स्पीड में लग रहा है लेडर, और चलो भाई एकदम अरे भाई यार इसको तोड़ना, उसको भी थोड़ा अपन तोड़ देते हैं। और क्योंकि भाई ये बहुत परेशान करता है वाइंस, वाइंस भी अच्छी होती है लेकिन भाई लेडर थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप लोग कहते ना आप लोग को वाइंस ज़्यादा अच्छी लगती है लेडर, या फिर आप लोग को मैं क्या बोल रहा था, आप लोग को वाइंस अच्छी लगती है लेडर अच्छी लगती है फिर स्काफोल्डिंग अच्छा लगता है। स्काफोल्डिंग तो भाई आप लोग को पता होगा जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे पहले से, और जो लोग नहीं खेलते तो मैं उनको बता देता हूँ स्काफोल्डिंग भी ऐसी लेडर का काम करती है तो जान लो भाई। भाई स्काफोल्डिंग भी अच्छी चीज़ है भाई, बहुत टाइम जा रहा है भाई ऊपर चढ़ने में। तो चलो भाई मैं पूरी ये वाइंस जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ। और चलो भाई हम लोग को मिलता है थोड़ी देर बाद क्योंकि भाई ये वाइंस बार बार बीच में आ रही है वाइंस, तो चलो भाई मिलता है थोड़ी देर से जब तक मैं वाइंस को हटा देता हूँ।
तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे पास इतने सारे क्राफ्टिंग टेबल कैसे आए, तो भाई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है मेरे साथ भाई, बहुत गंदा सीन हो गया। तो भाई मेरे लेडर्स कम पड़ गई, तो भाई मैं सोचा था लेडर्स बना लूँ, लेकिन भाई गलती से क्राफ्टिंग टेबल दबते जा रहा था भाई, मैं बहुत गंदा ग्लिच हो गया था भाई, तो भाई बहुत गंदा सीन हो, तो भाई इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब उन्होंने बहुत सारी लेडर्स भी और बना लिए, और बाद में क्या होता है क्राफ्टिंग टेबल्स भी काम आ जाए अपना रूम को, क्या पता आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, तो क्या पता भाई अपन एकदम मॉडर्न हाउस एकदम बड़ा सा आगे जाके बनाना पड़े, तो कोई बात नहीं। चलो भाई अपना ऑलमोस्ट लेडर का काम हो ही गया, मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेडर भी बना लिए, क्या पता ऊपर डेकोरेशन या फिर कुछ किसी के लिए काम आ जाए। तो चलो भाई अपना इतना लेडर्स का काम तो हो चुका है, अभी अपन चलते हैं नीचे, और भाई रात भी होने वाली है फिर नीचे, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और जब अपने पिकैक्स जो है एकदम फुल एंचांट हो चुकी है, मतलब हर एक एंचांट नहीं बनाया मैंने, अंदर थोड़ी बहुत कम एंचांट लगाए हो, तो चलो भाई चलते हैं अपन, और भाई जल्दी जल्दी भाई मेरे को लग रहा है भाई ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, तो चलो भाई चलते हैं अपन भाग जाते हैं घर पे, और अभी अपन फिर थोड़ी चीज़ें भी लेके आएंगे घर पे डेकोरेशंस के लिए, और वैसे मैं खाली ऐसी शोपीस मतलब शोपीस बोल रहा हूँ, ऐसे कभी कभी क्या पता मैं घर से थोड़ा दूर और मुझे ट्री हाउस दूर से दिख जाए, तो मैं फटाक से ट्री हाउस में भी रेस्ट कर सकता हूँ। तो चलो अपन चलते हैं ऊपर, एकदम प्यारे से एक नींद मार के आते हैं, देखते भाई ये सोने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके भाई पता नहीं क्यों नहीं देगा, सोने के लिए ऑब्वियसली से बात देगा। तो गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है गुड नाइट है, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो भाई एकदम प्यारे से मॉर्निंग के लिए जस्ट एक लाइक बनता है, और अगर आप लोग चाहते हो भाई मैं एकदम और एकदम ऐसे ट्री हाउस या फिर और एकदम अच्छे अच्छे घर जैसा चीज़ें बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप लोग कमेंट करने जा ही रहे तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी मार दो यार, और अगर करने सब्सक्राइब भी करने जाए तो भाई लाइक मार दो, तो सस्ते प्रमोशंस। तो चलो भाई अपने पास अभी भाई आयरन नहीं है क्या अपने पास? ओके भाई मेरी इन्वेंट्री में ये भाई क्या कर रहा हूँ मैं, तो अपन आप लोग सोच रहे हैं भाई मैं आयरन क्यों ले रहा हूँ, तो मेरे को एक शीयर्स बनानी थी, क्योंकि भाई शीयर्स से अपन अपने जो मैंने आप लोग को पहले से बता चुका हूँ शीयर्स से अपन अपना लीव्स बना सकते हैं, और चलो मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि भाई अपने पास खाने की अभी थोड़ी बहुत कमी तो नहीं है, मैंने चेस्ट के अंदर रखा हुआ, तो खाना तो अपन एकदम आराम से बाद में खाएंगे। तो चलो गाइस अब मैं एकदम ऊपर चलता हूँ, थोड़े बहुत लीव्स भी काटता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो रही है। तो चलो गाइस फाइनल तुम्हारा भाई ने थोड़े बहुत लीव्स इकट्ठा करके आप आ चुके हो, और भाई मुझे बहुत संभाल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये हार्ड कोड है, कोई नॉर्मल सा नहीं है, क्योंकि भाई जो भाई मैं गिर के रिस्पॉन हो जाऊँ तो भाई एकदम संभाल कर रहना पड़ेगा, भाई मैं एकदम क्राउच करके रहूँगा। तो सबसे पहले मुझे जो ऊपर का जो वो है एकदम एरिया उसको मैं एकदम फ्लैट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एकदम अजीब अजीब से थोड़ा बहुत वो है, तो भाई ट्रीज भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखना चाहिए ऊपर से। तो चलो भाई अपन कर देते हैं इसको एकदम ठीक। भाई ये गायब क्यों हो रहे भाई? हो भाई ये गायब हो रहे भाई, क्या सीन हो रहे? तो चलो भाई अपन इसको सबसे पहले अपन जो एरिया इसको फ्लैट कर देते हैं, क्योंकि अपन ट्री हाउस बना रहे हैं, तो भाई इसके लिए एकदम एरिया थोड़ा अच्छा खासा चाहिए। और भाई शायद से लीव्स गायब होते हैं क्या भाई? भाई आप लोग कमेंट बताना अगर आप लोग माइनक्राफ्ट के अच्छे खासे प्लेयर हो, नहीं है तो अपने को इतना तो पता ही होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भाई फटक से जाओ गूगल पे सर्च करते हो भाई, गूगल बाबा अपना जिंदाबाद। तो चलो भाई इसको हटा देते अपन यहाँ से, और यहाँ पर अपन ने थोड़ा बहुत एरिया फ्लैट कर दिया है, और यहाँ से अपन इसको थोड़ा बहुत बड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत यहाँ से छोटा दिख रहा है वो। और ओके भाई अभी नीचे क्यों लग रहा है भाई, पूरी लीव्स वेस्ट हो रही है। तो अब इस साइड से अपना हो चुका है, अभी इस साइड से भी अपन को करना है, और भाई एकदम क्राउच होकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग भी हार्ड कोर एक प्लेयर हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई कितना डर लगता है एकदम जो अपन एकदम ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि अपन को खाली हार्ड कोर के अंदर खाली एक लाइफ मिलती है, उसके अंदर अपन को जीना रहता है। वो भाई मुझे डर लग रहा है भाई, ये बार बार गायब हो रहे हैं, मेरे पास दूसरे लीव्स भी नहीं है भाई। चलो भाई देखते अपन, अगर ये गायब होते रहे तो भाई चलेगा भाई, अपन दूसरा जो दूसरी लीव होती है भाई अपन वो ले लेंगे। सबसे पहले अपन ने थोड़ा बहुत घर टाइप बना देता है, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। तो चलो भाई अपन ने थोड़ा बहुत बहुत सारे लीव्स मैंने इकट्ठा कर लिया हूँ, और आप लोग मेरे शेयर्स ख्याल देखते, मैंने एक और शेयर्स बना लेता आयरन दूसरे चेस्ट में से लेके। और तो भाई अपन जो ये जो लीव्स का जो डेकोरेशन है भाई वो सब तो मैं अपना ऑफलाइन बैठ के कर लूँगा। और चलो भाई भाई ये था आज के वीडियो में, आपको वीडियो को लाइक कर देना, मैं मतलब किसी नेक्स्ट के वीडियो में या फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।